Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक परवीन बॉबी की मौत बहुत ही दर्दनाक रही। आज उनकी 13वीं डेथ एनिवर्सरी है। परवीन 20 जनवरी 2005 को अपने फ्लैट में रहस्यमय हालत में मृत पाई गई थी। उनकी लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही है। कभी वे रिविन रिलेशनशिप की वजह से चर्चा में रही तो कभी अन्य दो अफेयर्स को लेकर सुर्खियां बटोरी। परवीन बॉबी को लेकर कहा जाता है कि इंडस्ट्री में आने के बाद जितनी जल्दी उन्होंने खुद को सेटल किया उतना ही जल्दी अपने लिए पार्टनर भी ढूंढ लिया। सबसे पहले उनका नाम डैनी के साथ जुड़ा। फिल्म धुएं की लकीर से शुरू हुआ उनका अफेयर कुछ ही समय में परवान चढ़ा। हालांकि ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन को काफी दर्द पहुंचाया, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। इसी बीच वे कबीर बेदी के संपर्क में आई। कबीर काफी नई सोच के थे। सिगरेट शराब पीने वाली और बोल्ड स्वभाव की परवीन और कबीर को एक दूसरे का साथ पसंद आया। दोनों लंबे समय तक लिव इन में रहे, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसके बाद परवीन की लाइफ में महेश भट्ट आए। दोनों करीब 3 साल तक साथ रहे। 3 अफेयर के बावजूद परवीन लाइफ टाइम शादी नहीं कर पाई।